रामचरितमानस की लोकप्रिय चौपाइयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हमारे संस्कार। जय श्री राम। रामचरितमानस प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग है। रामचरितमानस की चौपाइयां प्रत्येक भारतीय नित्य कहते और सुनते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रामचरितमानस की चौपाइयों के बारे में बताएंगे। यह चौपाई किसने कही, किससे कही, क्यों कही, इसकी कथा भी विस्तार से समझाएंगे। यदि हमसे कुछ त्रुटि होती हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। तो आज की चौपाई है गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि जेहि यह चौपाई बालकांड में शिव पार्वती विवाह का वर्णन करते हुए कही गई है। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। जब सप्त ऋषि हिमालय पहुंचे तो उन्होंने देखा माता पार्वती स्वयं साक्षात तपस्या की मूर्ति हैं। उनके कठोर तप को देखकर सप्त ऋषियों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और यह कठोर तप क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हिमाचल की पुत्री पार्वती हूं। आप यह जानकर हंसोगे कि मैं यह कठोर तप क्यों कर रही हूं। नारद जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मैं यह कठोर तप कर रही हूं। यह सुनकर सप्त ऋषि हंस पड़े। बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। अरे भला, नारद का उपदेश सुनकर भी किसी का घर बसा है। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिन्होंने लौटकर कभी घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को भी नारद जी ने ही चौपट किया और यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ। संसार में जो नारद की सीख सुनते हैं वे घरवार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी तन सजन चीना आप सरस सबही चहकीना। नारद का मन कपटी और वेशभूषा सज्जनों के जैसी है। वे सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और उस ठग नारद की बात मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माना पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटने वाला है। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, फिर त्याग कर उसको मरवा डाला। आज शिव को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे भीख मांगकर अकेले रहने वाले के भला कभी कोई स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली कि हे मुनिवर, आपने सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं अब हट तो छोड़ूंगी नहीं। शरीर भले ही छूट जाए, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरूंगी। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि
सिद्धि ही स्वप्न में भी प्राप्त नहीं। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु सदगुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुणदोषों का विचार कौन करे, और मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी या मैं कुंवारी ही रहूंगी। यदि शिवजी स्वयं आकर मुझसे कहें और समझाएं तो भी मैं यह हट नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी माँ पार्वती ने कहा कि हे ऋषि जनों, आप बहुत दूर से आए, कृपया करके अब लौट जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर सप्तऋषि माता पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। शिव पार्वती विवाह के अगले एपिसोड में हम कामदेव के भस्म होने की कथा को सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।